तो हाँ जी, कैसे आप सब दोस्तों। आज का जो वीडियो हम लेके आ चुके हैं, ये वीडियो होने वाला है पास्ता मेकिंग मशीन, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि बर्म सिल्ली मेकिंग मशीन, जिसमें सेवई हमको बोलते हैं। भाई सेवई कैसे बनाया जाता है, सेवई बनाने का अगर आपको प्लांट लगाना है, पास्ता बनाने का अगर आपको प्लांट लगाना है, मैक्रोनी बनाने का अगर आपको प्लांट लगाना है, तो आपको कैसे लगाना होगा, ये सारा चीज़ आपको इस छोटी सी वीडियो में हम बताने वाले हैं। काफ़ी कमाल का बिजनेस आइडिया है भाई। तो आप भी अगर अपने घर पे लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप भी पास्ता का बिजनेस करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम पास्ता बनाकर मार्केट में सेल करें और अच्छा खासा मार्जिन कमाएं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके लिए चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं जो पहला प्रोसेस होता है कि ये बनता कैसे है। क्योंकि जब आप ये जान जाएंगे ना कि भाई बनता कैसे है, तो आपके मन में भी आएगा कि हाँ, ये अगर इतना आसान बनाना है तो इसका प्लांट लगाया जा सकता है, इसका बिजनेस हम कर सकते हैं। अभी आपके सामने आपको दिख रहा होगा ये जो हॉपर दिख रहा है, ये पाइप के माध्यम से, मतलब पहला हॉपर आपको जिसमें दिख रहा है, जिसमें हम लोग सूजी डालते हैं और ये पाइप के माध्यम से दूसरा मिक्सर में लेके जाते हैं। मतलब पहले तो हम लोग जो सबसे नीचे आपको हॉपर दिख रहा है, इसमें जो भी अपना रॉ मटेरियल होता है यानी कि सूजी जो होता है, हम इसमें डाल देते हैं और ये पाइप के माध्यम से दूसरा जो मेन आपका मिक्सर होता है, जिसमें ये मिक्स करता है सारा मटेरियल को, रॉ मटेरियल को मिक्स करता है, ये उसमें लेके जाता है और इसके बाद वहाँ कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। और जब ये मिक्स होता है ना, तो मिक्स होने के बाद फिर ये जो आपको मशीन आपके सामने में दिख रहा है, इस मशीन के माध्यम से ये पास्ता बन बन कर निकलने लगता है। लेकिन अभी आपके माइंड में आ रहा होगा भाई कि अगर हमको मैक्रोनी बनाना है या फिर हमको सेवई बनाना है तो फिर हम कैसे बनाएंगे, या फिर पास्ता का जो साइज़ हमको बड़ा करना है या साइज़ छोटा करना है तो फिर इसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए अलग डाई लगता है या फिर क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो नॉर्मली पास्ता बनता है उसका साइज अगर आपको बड़ा छोटा करना है तो आपको बगल में ही सारा कंट्रोलर मिल जाता है। क्योंकि इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज लेके आए हैं भाई जो पास्ता मेकिंग मशीन के ऊपर हुआ है, लेकिन ये जो मशीन है ना, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है भाई। मतलब बीच में आपको कंट्रोलर मिल जाता है और कंट्रोलर से ही आपको सारा कंट्रोल करना पड़ता है। आप यहाँ से देख रहे हैं, अगर आपको साइज़ बड़ा करना है तो आप बस सिंपल सा जो आपको नोब दिख रहा है, नोब घुमाएंगे, साइज़ आपका बड़ा होने लगेगा, साइज़ बड़ा होकर कटने लगेगा। साइज़ अगर आपको मीडियम चाहिए तो आपको नोब वहाँ से थोड़ा सा कम कर देना है। साइज़ अगर आपको बहुत ही छोटा चाहिए तो नोब और भी कम कर देना है। मतलब सारा कंट्रोल आपको सामने से मिल जाता है, जिससे कि आप कंट्रोल करके भाई पास्ता का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके साथ में आपको और भी काफ़ी सारे डाई मिल जाते हैं भाई। डाई से जैसे कि मान चलो कि अभी आपको हम दिखाएंगे कि सेवई कैसे बनाते हैं। तो सेवई बनाने के लिए क्या होता है भाई कि ये जो डाई होता है, डाई चेंज करना होगा। लेकिन डाई चेंज करना आपको लग रहा होगा भाई काफ़ी हैवी प्रोसेस होता है, तो मैं आपको बता दूं कि डाई चेंज करना भी ना काफ़ी ईजी प्रोसेस है। मतलब आपके सामने में जो कटल दिख रहा है, कटल नॉर्मली दो नट से कसा हुआ रहता है, आप मैनुअली हाथ से भी नट को खोल सकते हैं। आसानी से आप नट से खोल कर ये जो आपका कटल दिख रहा है जिसमें मोटर लगा हुआ होता है, आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। और बाहर निकालने के बाद ये जो आपको पार्ट दिख रहा है जिससे आपका पास्ता निकलता है, इसे मेंडल बोलते हैं। हालांकि जब मेंडल को निकालना होता है, नॉर्मली इसको हम बाहर निकालेंगे, अब इसके जस्ट पीछे में ही डाई लगा हुआ होता है। अभी जो हम डाई लगा रहे हैं भाई, इसमें आप देख रहे होंगे ये डाई जो अपना होने वाला है, ये होने वाला है सेवई का डाई। आप देख रहे होंगे भाई, जो अभी हम आउटपुट आपको लगा के दिखाएंगे, सामने चेक करके भी दिखाएंगे जो सेवई होता है कितना पतला निकाल सकते हैं, कैसे बड़ा निकाल सकते हैं, सारा चीज़ भाई आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जैसे ही हम वापस से मेंडल कस लेते हैं, फिर अपना कटर वापस से कस लेना होगा और फिर से हम सेवई निकालना शुरू कर देते हैं। अब सेवई में भी सेम प्रोसेस है भाई, आपको साइज़ बड़ा रखना है तो बड़ा रख सकते हैं, छोटा रखना है छोटा रख सकते हैं। मार्केट में आपने काफ़ी सारे सेवैयाँ देखी होगी जो आपको अलग अलग साइज़ में मिलता है। काफ़ी सेवैया आपने ऐसे देखे होंगे काफ़ी लंबा लंबा होता है, काफ़ी सेवैया आपने देखी होगी जो फ्राई किया हुआ मार्केट में आता है वो छोटा छोटा पीसेस होता है। तो यहीं से आप नोब से कम ज़्यादा करके साइज़ को बड़ा छोटा करके आप निकाल सकते हैं और आसानी से ये आपका आउटपुट बन के रेडी हो जाता है। पास्ता के लिए अगर हम बात करते हैं, तो बाद में फिर आपको एक प्रॉपर स्टोर रूम बनाना पड़ता है जिसमें आपको ड्राई करना पड़ता है, स्टोरेज रूम उसको हम बोलते हैं। इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे बनाना पड़ता है, सारा चीज़ आप यहाँ से मशीन परचेज करते हैं तो आपको ट्रेनर बिल्कुल फ्री में मिलता है भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग लेने के लिए पैसा खर्च करना होगा या फिर आपको ट्रेनर के लिए पैसा खर्च करना होगा, जी नहीं, आपको फ्री में यहाँ से ट्रेनर मिलेगा जो आपके घर तक जाकर आपको प्रॉपर ढंग से सिखाएगा, आपको समझाएगा कि कैसे चलाना है, आपको लाइव डेमो देगा। और अगर लाइव डेमो आप कंपनी में आके भी लेना चाहते हैं तो रॉयल फूड एंड प्रोसेसिंग मशीन, जो कि नोएडा सेक्टर 10 की कंपनी होने वाली है, आप यहाँ पर भी आकर जानकारी ले सकते हैं, लाइव डेमो ले सकते हैं, खुद से बना के ट्राई कर सकते हैं भाई। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स से बताइए। बाकी अगर मशीन ऑर्डर करना है, भारत के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हैं, ऑन स्क्रीन जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर कॉल करके मशीन को आप ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी छोटी वीडियो थी, लेकिन जो आई होप कि जो मैंने आपको बिजनेस आइडिया बताया काफ़ी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।